Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. This is 8th lecture, and as we have discussed, the next topic is generation of AM. तो AM जो हम प्रैक्टिकली कैसे जनरेट करते हैं, क्या सिस्टम यूज करते हैं, क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो जो हमारा AM सिग्नल है उसको जनरेट करने के लिए एक जनरेटर जो हमारे पास है वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है, जिसका ब्लॉक डायग्राम हमारे सामने है. तो जनरेशन और डिमॉड्यूलेशन में सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको. जनरेशन ऑफ AM में जो आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हो या कोई भी मॉड्यूलेटर हो, देखिए आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है तो उसके लिए क्या क्या नीड होगी. सबसे पहले एक मैसेज सिग्नल तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली कैरियर होगा, कैरियर सिग्नल होगा, मैसेज सिग्नल होगा, और एक ब्लॉक हमेशा होगा, वो होगा बैंड पास फिल्टर. ठीक है, जनरेशन में आपका मैसेज, कैरियर और बैंड पास फिल्टर ज़रूर होंगे उस ब्लॉक डायग्राम में. बाकी आगे देखेंगे क्या है. तो यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे एक मैसेज है जो कि एक समेशन या एडिशन हो रहा है किसके साथ, कैरियर के साथ. और कैरियर और मैसेज का जो समेशन के बाद जो आउटपुट है उसको मैंने माना हुआ है V1. ठीक है, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है. स्क्वायर लॉ डिवाइस के पे इनपुट जब V1 है वो पास होने के बाद V2 हो जाता है, और V2 जब बैंड पास फिल्टर से पास होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है. ये आपका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन होता है. अब स्क्वायर लॉ डिवाइस है क्या? तो स्क्वायर लॉ डिवाइस आपका वो डिवाइस है जो नॉन लीनियर होते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होती है, उन्हें हम स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं. यहाँ पे एग्जांपल आपका है डायोड. डायोड भी हमारा एक नॉन लीनियर डिवाइस है जो कि स्क्वायर लॉ डिवाइस के एग्जांपल के तौर पर लिया जा सकता है. ठीक है, अब थर्ड साइड जो डेरिवेशन है वो आगे बढ़ेंगे क्या होता है. कह रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ V1, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल डायोड लगाते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ V1 शुड बी ऑर्डर ऑफ कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड. ठीक है, ये ऑब्वियस है, डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो जो V1 है वो कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड के ऑर्डर का होना चाहिए, सो दैट कि डायोड एक्टिव रहे, है ना. नाउ द इनपुट सिग्नल टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस इज गिवन बाय, ठीक है, V1 इज इक्वल टू MT प्लस CT. इनपुट जो है आपका, मैंने बताया था कि ये दोनों का एडिशन है, तो MT प्लस AC cos 2πfct. ये हमने जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसके इनपुट पे प्रोवाइड कराया है. अब थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्वायर लॉ डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिलता जुलता है आपके डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स से, है ना, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ मिलता जुलता है, तो ये आपका स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाते हैं. तो कहेंगे नाउ द स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड विच इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर. फ्रॉम द फिगर द आउटपुट V0 इज गिवन बाय, अगर इनपुट आपका VI है तो V0 किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा. A1 VI प्लस A2 VI का स्क्वायर प्लस A3 VI³ प्लस सो ऑन. ठीक है, ये आपका स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे A1 A2 A3 आर स्क्वायर लॉ कॉन्स्टेंट्स. तो इसी को रिफरेंस में लेते हुए हमारा जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है इसका आउटपुट जो कि V2 है वो V1 के फॉर्म में क्या आएगा, अब देखेंगे. V2 इज इक्वल टू, नाउ द आउटपुट स्क्वायर लॉ डिवाइस इज गिवन बाय, V2 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V1 का स्क्वायर प्लस A3 V1 का स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, ये जनरलाइज्ड है कि ये हमारा आउटपुट आएगा स्क्वायर लॉ डिवाइस, SLD जिसको कहते हैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट इस तरीके से आएगा. अब बात यह कि हम कहाँ तक, कौन से ऑर्डर तक हमें कंसिडर करना है. तो नेक्स्ट लाइन क्या है कि हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी एलिमिनेटेड ड्यू टू नॉट कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी हैविंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब ये है कि हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए, हम हायर ऑर्डर के जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ये भी हो सकता है कि V1 स्क्वायर में ही हमारी जो रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो न मिले, V1 में ही मिल जाए. ये भी हो सकता है कि V1 स्क्वायर तक कैलकुलेशन करने पे मिले, या ये पॉसिबल है कि V1 क्यूब तक करने पे मिले. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा. ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट आपको दिया गया है कि हायर ऑर्डर कैन बी एलिमिनेटेड,
और इस केस में स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के केस में जो हमारा हायर ऑर्डर है वो है v1 square तक हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है जो एक मॉड्यूलेटर सिग्नल में होने चाहिए वो हमें मिल जाता है। उसके आगे की जो हायर ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज हैं वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो बैंड पास फिल्टर से वैसे ही पास नहीं होगा वो, है ना। तो देखेंगे कि जो आपका इक्वेशन है v2 a1 v1 a2 v1 square, यहाँ पे हम v1 स्क्वायर तक ले रहे हैं, v1 क्यूब को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं क्योंकि रिजल्ट पता है कि वहाँ से हमारे जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी उससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वहाँ पे मिलेगी, एक भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो बैंड पास फिल्टर से पास करेगा, सो हम वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं v1 की, यहाँ पे a1 v1 में mt प्लस ac cos 2πfct ये हमने पुट कर दिया, और a2 वाले टर्म में सेकेंड टर्म में mt प्लस ac cos 2πfct का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एम स्क्वायर टी प्लस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2πfct ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड नथिंग एल्स 2ac mt cos 2πfct, ठीक है। और देन ये एज इट इज ऐसे ही पड़ा हुआ है, ए टू वाले टर्म को अगेन हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, जहाँ पे कॉस स्क्वायर 2πfct है उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 plus cos 4πfct करेंगे, जो cos आपको पता है cos square theta is nothing but 1 plus cos 2θ upon 2, तो upon 2 यहाँ पे हमने ले लिया ac square upon 2 के पास, और 1 plus cos 4πfct plus 2 ac mt cos 2πfct, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो आउटपुट है आपका v2 वो किसका आउटपुट है, स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट है, ठीक है। अब स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट है अब वो ये पास करेगा किससे, बैंड पास फिल्टर से। अब ये हमें देखना है कि ये जो इनपुट है बैंड पास फिल्टर का, इसमें से कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे और बैंड पास फिल्टर से पास नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। एमटी जो है आपका एक टर्म ये हो गया, एक है आपका एसी कॉस 2πfct वाला टर्म है, एक है आपका एम स्क्वायर टी वाला टर्म, नेक्स्ट है आपका वन जो मल्टीप्लाइड बाई ए सी स्क्वायर अपॉन टू है, देन आपका कॉस 4πfct वाला टर्म है जो कि ए सी स्क्वायर अपॉन टू से मल्टीप्लाई है, देन टर्म है आपका 2ac mt cos 2πfct, ये इतने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 टर्म में से हमें अपना जो दिमाग है वो लगाना है कि कौन सा टर्म पास करेगा और कौन सा टर्म पास नहीं करेगा, और पास करने और ना करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कराना है, हम वही कर रहे हैं जनरेशन ऑफ am, तो अगर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कराना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो फ्रिक्वेंसीज पास करें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आती हैं, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी रेंज पास करें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आती हैं। हम उसी तरीके से बैंड पास फिल्टर डिजाइन भी करेंगे, ओके। तो क्या आप देखेंगे, ध्यान से देखिए बहुत ही केयरफुली, पहले टर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्या मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सिर्फ एमटी पास करना चाहिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सिर्फ एमटी, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सिर्फ मैसेज नहीं हो सकता, हम सिर्फ मैसेज हमारा रिकवर होगा डीमॉड्यूलेशन में, ठीक है, मॉड्यूलेटेड में तो मैसेज नहीं पास होगा क्योंकि मैसेज की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है, किलो हर्ट्स में होती है, ये पास नहीं करेगा बैंड पास फिल्टर से, तो ये पास नहीं करेगा, इसके ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट टर्म है हमारा एसी कॉस 2πfct, तो हमें पता है, ऑलरेडी पता है हमें कि एएम के एक्सप्रेशन में कैरियर होता है और कैरियर फ्रिक्वेंसी भी होती है एफसी, है ना, स्पेक्ट्रम भी आपने देखा तो वहाँ पे भी कैरियर होता है, तो एसी कॉस 2πfct पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता हमारा एम स्क्वायर टी, अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं एम टी के बारे में कि जिसका फ्रिक्वेंसी आपकी सपोज 10 किलो हर्ट्स है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 10 किलो हर्ट्स है, तो अगर वो एम स्क्वायर टी होगा तो एम स्क्वायर टी होने के बाद 1 प्लस कॉस 4πfct की वजह से वो 20 किलो हर्ट्स हो जाएगा,
और 20 किलोहर्ट्ज़ भी किलोहर्ट्ज में ही है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंड पास फिल्टर विच हैज़ बीन डिजाइंड फॉर मॉड्यूलेटर सिग्नल। ठीक है, तो ये भी पास नहीं करेगा क्योंकि ये भी बहुत कम फ्रिक्वेंसी का है एम स्क्वायर टी होने के बावजूद। ओके, नाउ द ए सी स्क्वायर अपॉन 2 × 1, ये पास करेगा या नहीं करेगा? ये पास नहीं करेगा क्योंकि एक तो डीसी टर्म है, डीसी टर्म पास नहीं करेगा आपके फिल्टर से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फिल्टर से पास करने की बात नहीं है, ये एक्चुअली डीसी टर्म हमारा ब्लॉक हो जाता है कपलिंग कैपेसिटर की वजह से, जो हम डिफरेंट एम्पलीफायर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब आप डिज़ाइन करेंगे ये सिस्टम तो यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो कपलिंग कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है और ये पास नहीं करता है। ठीक है, बैंड पास फिल्टर का रोल यहाँ पे कम है इस टर्म के लिए, यहाँ पे रोल आपका कैपेसिटर का है, जो कपलिंग कैपेसिटर होते हैं एम्पलीफायर सी एम्पलीफायर वॉट एवर वी यूज, वहाँ पे ये कैपेसिटर से ब्लॉक हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म 4πfct, तो अगर 4πfct का जो फ्रिक्वेंसी हम की बात करें तो ये क्या है 2fc, तो कैरियर तो होगा, कैरियर तो आपके मॉड्यूलेटर सिग्नल में होगा, लेकिन क्या 2fc वाला टर्म होगा? कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा 2fc? बहुत ज़्यादा, अगर कैरियर की फ्रिक्वेंसी मान लो 1 MHz है तो 2fc वाला जो आपका स्पेक्ट्रम में कहाँ पे जाएगा? वो 2 MHz, और क्या आपका मॉड्यूलेटर सिग्नल उतना रेंज होती है? तो इस वजह से 2fc वाला जो टर्म है वो पास नहीं करेगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई, एम स्क्वायर टी या एम टी की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जा रही थी बैंड पास फिल्टर की वजह से, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जा रही है, अगेन इट इज़ वेरी हाई फॉर बैंड पास फिल्टर व्हाट वी हैव डिजाइन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एम टी कॉस 2πfct, ये तो हमारे लिए बहुत ही मतलब रखा रखाया चीज़ मिल गया कि एम टी कॉस 2πfct हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक मिलेगा आपको fc+fm पे और एक मिलेगा fc-fm पे, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो पास करेगा ही करेगा, तो हमें क्या क्या मिल गया, ये पास करेगा। आप यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, पीछे जाकर के वीडियो चलाएंगे और फिर से सुनेंगे कि किस वजह से कौन कौन से टर्म पास कर रहे हैं, कौन कौन से टर्म पास नहीं कर रहे हैं। एम टी इसलिए पास नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो हमने बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन करी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जनरेट करना है हमें, हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है, मैसेज सिग्नल जनरेट नहीं करना है। तो अगर मैसेज सिग्नल जनरेट नहीं करना है तो मैसेज क्यों पास करेगा? हम क्यों ऐसा डिज़ाइन करेंगे बैंड पास फिल्टर कि वो मैसेज को पास करा दे, क्योंकि जो हमें चाहिए ही नहीं, तो डेफिनेटली ये पास नहीं करेगा। कैरियर पास करना चाहिए क्योंकि हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर होता है, तो ये पास करेगा। ठीक है, एम स्क्वायर टी पास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एम टी की जो फ्रिक्वेंसी वो बहुत कम है, और अगर एम स्क्वायर टी, हम ये अगर सोचते हैं कि एम स्क्वायर टी की फ्रिक्वेंसी तो अब डबल हो सकती है, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेंज में आ सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर am cos 2πfmt है, और अगर हम उसको am² cos² 2πfmt कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो कितना बनेगा? एक तो ये 1 वाला टर्म बनेगा और दूसरा cos 4πfmt बनेगा। cos 4πfmt का मतलब क्या है? 2fm इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, 1 वाला तो पास करेगा ही नहीं, और अगर 2fm हो गई तो कितना हो जाएगा? अगर 100 kHz मान लेते हैं, 100 kHz अगर है तो 200 kHz हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, और 100 kHz कैसे होगा, हमारी जो वॉइस सिग्नल है वो 300 Hz से 3.5 kHz है, और ऑडियो सिग्नल 20-20 kHz है, तो 100 kHz का हमारे पास मैसेज होना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो जब ये 200 Hz हो रहा है मान लो, तो भी वो नहीं होगा, रेंज में नहीं आएगा आपके बैंड पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के, तो ये पास नहीं करेगा। डीसी टर्म आपका कपलिंग कैपेसिटर की वजह से ब्लॉक हो जाता है, 2fc बहुत बड़ा हो जाएगा, वो 1 MHz अगर हमारा fc है तो 2 MHz हो जाएगा, वो बैंड पास फिल्टर के रेंज से, और बहुत ज़्यादा बाहर हो गया, और ये तो आपको पता ही है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही है हमारा mt cos 2πfct, तो ये पास करेगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जो आउटपुट है आपका बैंड पास फिल्टर का, वो है आपका एक a1 × ac cos 2πfct + a2 × 2ac mt cos 2πfct।
देखेंगे ए वन इंटू ए सी कॉस टू पाई सी टी प्लस ए टू इंटू टू ए सी एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है, नाउ जो अब हम ये क्या किया, हमने हमने बस ये किया हुआ है कि अगर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है बैंड पास फिल्टर से आउटपुट आने के बाद, तो इसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की कोशिश करी है। वो क्या है, ए सी इंटू वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, है ना। तो अगर ये ए सी इंटू वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी अगर है तो उसको उस फॉर्म में ले आएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए वन ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी कॉमन ले लिया, तो ए वन ए सी यहाँ रख लिया, वन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आएगा कॉस टू पाई एफ सी टी बाहर हो गया और टू ए टू अपॉन ए वन एम टी हो गया। और जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले से, तो आपका जो अगर मैं यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने ए सी ले लिया है, तो ए सी डैश मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर ये ए सी है, ए सी डैश है, तो ए सी डैश क्या हो गया आपका ए वन ए सी, और के ए क्या हो जाएगा टू ए टू अपॉन ए वन, और ये जो आपका रिजल्ट है ना ए डैश इज इक्वल टू ए वन ए सी और के इज इक्वल टू टू ए टू अपॉन ए वन, ये गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जो है आपका एक्सप्रेशन देता है वहाँ पे, ठीक है, और आप क्वेश्चन में कराऊंगा एक्चुअली, जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है ना वो क्वेश्चन में अभी हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में आए वो आगे, तो वो क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, लो भाई ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, मुझे लग ही रहा था, मैंने स्लाइड्स में डाली हुई है ये क्वेश्चन। तो ये गेट का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर स्क्वायर लॉ डिवाइस इज कैरेक्टराइज बाई V2 इज इक्वल टू वी वन प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 0.1 है, ठीक है, ये वैल्यूज दे रहे हैं। और इस पर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ KA निकालने के लिए आ जाता है, जैसे KA यहाँ पे 2A2 अपॉन A1 है, तो 2A2 अपॉन A1 आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, KA की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पास बैंड ऑफ बी पी एफ एक्सटेंड्स फ्रॉम 800 हर्ट्स टू 1200 हर्ट्स। ठीक है, बैंड पास फिल्टर जो हमने डिजाइन किया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसकी जो रेंज है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्स है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्स है, 1200 हर्ट्स। फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ रिजल्टिंग ए एम सिग्नल। ऑल द पैरामीटर्स का मतलब क्या है, मैं बार बार इसलिए लिखा है, मैंने क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि आपके जितने भी फार्मूले ना वो बार बार रिवाइज होते रहें, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, पी सी पी टी एंड ऑल जो भी फार्मूले आपके पी एस बी पी ओ एस बी एल एस बी एंड आपके मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ये सारे फार्मूले बार बार आप न्यूमेरिकल करते रहेंगे ना तो हमेशा याद होते रहेंगे। आपको पता है न्यूमेरिकल से ही फार्मूले याद होते हैं, रटने से याद नहीं होते फार्मूले। ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स स्लाइड से पढ़ ले वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो, है ना। तो न्यूमेरिकल से ही फार्मूले याद होते हैं, न्यूमेरिकल आपको करना ही पड़ेगा, और मैं यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सो दैट कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और फार्मूले भी आपको याद होते रहें। ठीक है, और जो गेट के बारे में सोच रहे हैं वो डेफिनेटली ये तरीका अपनाएंगे कि आप डेली रिविजन करें, जितने भी फार्मूले हैं उन पर न्यूमेरिकल सर्च करें। मैं कोशिश करूँगा बंच ऑफ न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, बाकी अभी थियरी क्लासेस में अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, एंड अलॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी देयर, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे उसका। ठीक है, सो जो क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो इनपुट सिग्नल है वो 2 cos 200 πt है, और ये और जो अगर आपको क्वेश्चन में देखो ना तो पहले ही मेंशन है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है, है ना। तो जैसे ही ये नाम पढ़ो ना स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, आपके दिमाग में फ्लैश हो जाना चाहिए कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम क्या था, वैसे वो बना के दिया हुआ है, और V2 का जो आपका कैरेक्टराइजेशन है वो भी दे दिया है, तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन, सब कुछ गिवन है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैसेज था, तो मैसेज की जगह पे वैल्यूज दे दी, कैरियर ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी था, कैरियर की वैल्यू दे दी, V1 आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ऐड करके, V2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, V1 जैसे ही आ जाएगा V1 को यहाँ पुट करेंगे, इन दोनों में जो एक्सप्रेशन आएगा V2 उसको बैंड पास फिल्टर से पास कराएंगे। अब बैंड पास फिल्टर की रेंज दे रखी है आपको, ठीक है, 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज दे रखी है। तो अगर ये दे रखा है तो जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, तो आप ये तो चेक ही कर सकते हो कि कौन सी
फ्रीक्वेंसी 800 से 1200 के बीच में आ रही वही पास करेगी, 800 से कम अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो पास नहीं करेगी, और 1200 हर्ट्ज से कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो पास नहीं करेगी। तो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ जो एडिशन है वो V1 कैसे गिवन होगा, आउटपुट V1 इज गिवन बाई दोनों के एडिशन से, डेफिनेटली श्योर है। मैसेज सिग्नल का क्या था आपका, 2 cos 200 πt सही लिखा है हमने, एंड कैरियर सिग्नल 20 cos 2000 πt, तो 20 cos 2000 πt वैल्यूज हमने सही रखी हुई हैं, एडिशन कर दिया, V1 अब आपके आपके सामने है। V1 के बाद V2 जो आउटपुट ऑफ स्क्वायर ला डिवाइस इज गिवन बाय न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया था उसमें गिवन था V1, ये V1 है प्लस 0.1 V1 स्क्वायर, तो V1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये जो V1 आया था वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो आपका ये वैल्यू है ना स्क्वायर वाली, इसको ओपन करना है, मीन्स एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है आपको यहाँ पे, बेसिक बच्चों का खेल है यहाँ पे। तो ये तो टर्म आपका एज इट इज हो गया 2 cos 200 πt प्लस 20 cos 2000 πt, बट यहाँ पे अब देखेंगे 4 जो न्यूमेरिकल है, 4 cos² 200 πt प्लस 400 cos² 2000 πt प्लस 20 × 2 = 40, 40 × 2 = 80, 2ab 80 cos 200 πt cos 2000 πt, करेक्ट है, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर इज गिवन बाय, कैसे क्या क्या पास करेगा क्या क्या पास नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको रेंज याद रखनी है, रेंज क्या हमने बताई थी, 800 से 1200 हर्ट्ज, एक बार देख लेंगे आप, 800 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में लाई करेगी वो पास करेगा, नहीं लाई करेगी पास नहीं करेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये जो पहला टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कोई 200 नहीं बोलेगा, प्लीज 200 नहीं बोलेगा, यहां पे इसकी 100 है, 100 हर्ट्ज है, और क्या 100 हर्ट्ज 800 और 1200 हर्ट्ज के बीच में आता है, नहीं आता है, तो 100 हर्ट्ज पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सेकेंड टर्म की, यह 1000 हर्ट्ज, तो क्या 800 के बीच में, 800 और 1200 के बीच में 1000 आता है, डेफिनेटली आता है, तो ये पास करेगा। थर्ड टर्म है आपका 4 cos² 2πt, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर अभी भी कोई कह रहा है कि नहीं m² t क्यों नहीं पास करेगा, m² t क्यों नहीं पास करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप जब cos² 200 πt को 1 + cos 4πfct करेंगे तो आपका आएगा ये 1 + cos 400 πt, ठीक है, अपॉन 2, और अगर 400 πt है तो 1 वाला जो टर्म है आपका वो तो ब्लॉक हो जाएगा कपलिंग कैपेसिटर की वजह से, और जो 400 πt वाला टर्म है, 400 πt वाला टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 200 हर्ट्ज, तो क्या 200 हर्ट्ज आपका 800 से 1200 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पास इसलिए नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो बताएगा यहाँ पे, मैं इसको अनदर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट आई थिंक कि अभी तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो टर्म है आपका वो पास करेगा नहीं करेगा, मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि 1 + cos 400 πt, ठीक है, 1 + cos 400 πt होगा यहाँ पे, 1 वाला टर्म कपलिंग कैपेसिटर से ब्लॉक, 4000 πt, जो 4000 πt वाला टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2000, और क्या 2000 हर्ट्ज 800 से 1200 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो ये भी पास नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे ये पास करेगा क्योंकि जब आप इस पे 2 cos A cos B लगाओगे, ठीक है, 2 cos A cos B 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 40 बाहर आ जाएगा, 2 cos A cos B लगाएंगे तो एक आएगा cos A + B प्लस cos A - B, cos A + B में आपका 1000 प्लस 2000 प्लस 200
22,000 to 2200, और 2200 की जो फ्रीक्वेंसी है, 2200 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1100। तो 1100 क्या आपका 800 से 1200 के बीच में आता है? यस आता है, तो वो एक टर्म वो पास कर जाएगा। प्लस 2000 माइनस 200 1800, 1800 वाले टर्म की जो फ्रीक्वेंसी वो 900, तो क्या 800 से 1200 के बीच में 900 आता है? ऑब्वियसली आता है, तो ये दोनों टर्म पास करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 by 2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद वाला भी टर्म। ठीक है, फिलहाल अभी तक मैं यहीं पे इसी तरीके से चल रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये दोनों टर्म, ये तीनों टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पास हो गया, ठीक है, तो मैं इसमें आपको ऐड करके एक बार शो कर दूंगा मैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन और ऐड कर दूंगा वहाँ पे एक्सपैंड करने के बाद। ठीक है, नाउ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, आप कहीं पे भी हेजिटेट नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा, है ना, क्योंकि ये जो चैनल क्रिएट किया है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही किया है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से आप थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर दें, तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दूंगा। ठीक है, BPF कब आउटपुट, यहाँ से आप लिख सकते हैं 20 cos 2000 πt एंड 8 cos 200 πt cos 2000 πt। 8 क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो बैक ब्रैकेट में, ये बहुत मिस होता है लोगों से, बहुत ज़्यादा मिस होता है ये न्यूमेरिकल में, इसको पास कराने के चक्कर में और नहीं पास कराने के चक्कर में ये आदमी भूल जाता है, और बहुत ये रेयर मिस्टेक्स हैं कि आप 0.1 को भूल जाते हैं और यहाँ पे 80 लिख देते हैं। क्या पास किया, 80 cos 200 πt cos 2000 πt, 80 लिखने के बाद आप सॉल्व कर देते हैं और न्यूमेरिकल आपका यहाँ तक सही होने के बाद गलत हो जाता है, है ना। तो 0.1 से मल्टीप्लाइड है, दैट्स वाई ये 80 का 8 हो गया cos 200 πt cos 2000 πt। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं था कि आपको आउटपुट निकालना है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, 20 को बाहर ले लेंगे, cos 2000 πt को बाहर ले लेंगे, 1 plus 0.4 cos 200 πt, एंड देन आपके पास सारी वैल्यूज यहां से मिल जाएंगे। क्या क्या, AC की वैल्यू 20, म्यू की वैल्यू 0.4, FM की वैल्यू 100, FC की वैल्यू 1000, और ये मिलने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आंसर मैच कराएंगे। इतना तो आपको करना ही है, आंसर तो आप मैच कराएंगे सॉल्व। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने में, पीसी कैलकुलेट करने में, तो फिर आपके प्रॉब्लम है, फिर आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को समझिए, सॉल्व करिए, बशर्ते मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बट ये क्वेश्चन सॉल्व 10 बार करा चुका हूँ, बैंडविड्थ के भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैरियर पावर का फार्मूला, पीटी का फार्मूला, साइड बैंड का फार्मूला, यूएसबी एलएसबी का फार्मूला, है ना, तो आप मैच कराएंगे। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और आई होप कि ये न्यूमेरिकल स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर वाला जो है आपको समझ में आएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, उनको उनकी भी नॉलेज को एनहांस करिए, आप भी उनके साथ प्रैक्टिस करिए, और बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।